नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं हम और हमारी क्लास चल रही है संविधान में, यानी भारतीय संविधान में। और हमने कल एक क्लास बताई थी भारतीय संविधान की विशेषताएँ, और यूपी पैट के अगले टॉपिक में जो है वह है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, आज जो क्लास करने वाले हैं हम इस पर करने वाले हैं। और आज बहुत ही यूनिक क्लास होने वाली है और बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। आज पहली बार आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से साधारण भाषा में मूल अधिकारों को समझोगे और बार बार परीक्षाओं के लिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अधिकार। देखिए, मूल अधिकार की बात तो बहुत बात की बात है। ठीक है, पहली बात आती है अधिकार, अधि प्लस के, अधि प्लस के कार। ठीक है, इसका शब्द ये होता है अधिकार, यानी कि मनुष्य ऐसे अधिकार जो मनुष्य के वह तार्किक दावे, यानी कि मनुष्य के वह तार्किक दावे जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परामर्शक आवश्यक है, यानी कि जो उनका व्यक्तित्व होता है उनके विकास के लिए परामर्शक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में परिभाषा आ चुकी है कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार क्या होता है, मनुष्य के वह तार्किक दावे जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा ये हो चुकी है। अगर हम बात यहाँ पे करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो यह ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के चहुमुखी विकास के या चहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब चहुमुखी विकास क्या होता है, जैसे भौतिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, चहुमुखी विकास। यानी कि व्यक्ति को चारों तरफ से जो विकास होगा उसका डेवलप होगा वह भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्म, इन सभी के लिए जो आवश्यक होते हैं मैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, जिनको भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के द्वारा संविधान में रखा गया था और उनकी गरिमा को जिंदा रखने के लिए हमें जो अधिकार देता है वह आर्टिकल 32 देता है। अगर हमारे मूल अधिकारों को बाउंड किया जाता है तो हम हाई कोर्ट में, राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं और केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट में, हम अपने अधिकारों को मांगने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, या ऐसे कहिए मूल अधिकार को एक और तरीके से हम मान सकते हैं, ये ऐसा मान के चलिए, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के कल्याण, विकास, गरिमा व सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। ये मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की गरिमा के लिए, मनुष्य की सुरक्षा की भी गारंटी ये देते हैं, जिसे न्यायपालिका व संसद सुरक्षा प्रदान करती है। तो यही तो मैंने बोला था अभी, क्या करती है, न्यायपालिका और संसद सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी पृष्ठभूमि के ऊपर आते हैं, ये तो परिभाषा हो गई है। अगर हम पृष्ठभूमि पाए तो इन्हें बाद में पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करते हैं तो क्या है, देखिए पृष्ठभूमि इनकी, पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो इसका विकास जो हुआ, सबसे पहले अगर हम विकास करें मूल अधिकार का, तो विकास कहाँ से हुआ भाई, सबसे पहली बात आती है विकास कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से। कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से। तो मूल अधिकारों का विकास जो हुआ वो कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से हुआ, जब जनता ने 1215 में, कब, जब जनता ने 1215 ईस्वी में, कब जनता ने 1215 ईस्वी में सम्राट किंग जॉन को प्राचीन स्वतंत्रता की मान्यता को बरकरार रखने के लिए एक मेगना कार्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। यानी क्या करने के लिए, प्राचीन संस्कृति, ऐसे लिख सकते हो, चलो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मेगना कार्टा पर हस्ताक्षर, क्या करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। क्या किया था भैया, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था कि हमारे अधिकारों को यही रहेंगे। ठीक है, हमारे अधिकार यही रहेंगे। अंततः 1689 में, आगे की डेट जो है वो कौन सी है, वो डेट है 1689 में। इसके बारे में और जानकारी जो मिलती है वो 1689 में मिलती है, जब विधेयक या दस्तावेज बनाइए, क्या बना, या तो विधेयक बना या फिर ये दस्तावेज बना 1789 में। कब भैया, 1789 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, फ्रांस के संविधान में से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो कहाँ पर दर्जा दिया गया था,
फ्रांस के संवैधानिक या फ्रांस में संवैधानिक दर्जा, फ्रांस में संवैधानिक इसे दर्जा मिला था। कैसा मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। जबकि अमेरिका में जोड़ा गया था, ये अमेरिका में जोड़ा गया 1791 में, कहाँ? अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका से कहाँ आया है? भारत में। अमेरिका से कहाँ पर आया है? भारत में। मगर भारत में इसका विकास जो है वो अलग अलग तरीके से, दोबारा समझेंगे इस बात को। पृष्ठभूमि क्या है? विकास जो हुआ है ब्रिटेन में 1215 में, जब वहाँ के लोगों ने जो है सम्राट जॉर्ज के सम्राट किंग जॉन को अपने प्राचीन संस्कृति को लागू रखने के लिए जो है एक मेघना कार्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था, ठीक है। फिर बाद में वो 1689 में विधेयक बन गया कानून, और जबकि 1789 में फ्रांस की सरकार ने यह संवैधानिक दर्जा दे दिया ऐसी चीज़ों को। और 1791 में ये कहाँ पर आ गया था? अमेरिका में, क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हो गया था, तो 2 साल बाद ही ये संविधान में मूल अधिकार लागू हो गए थे। जबकि भारत ने जो लिया है वो कहाँ से लिया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भारत में भी इसका कोई ना कोई क्रम है। 1885 में स्वदेश स्वराज विधेयक में इसकी पहली बार जो मांग करी थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो एक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर हम भारत की बात करें यहाँ पर, तो बेटा मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ। अब भारत में विकास देख लेते हैं इसका क्या था। भारत में विकास, ये तो बात आपको पता हो गई होंगी। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? भारत में विकास, भारत में विकास क्या हुआ है? भारत में विकास इसका, तो देखिए क्या, 1700 अगर हम बात करें, सिर्फ 1895 में क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मांग की थी, स्वराज विधेयक में किसने? तिलक जी ने किसने? बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी, ठीक है। बात याद रहेगी? बताइए जल्दी बताओ, याद रहेगी नहीं रहेगी? ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1928 में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट में भी इस पर चर्चा की गई थी। क्या की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में भी इस पर चर्चा की गई थी, ठीक है। मैं इतनी याद रख लो, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं अपना, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें याद कर लेते हो आप, जबकि एग्ज़ाम में इतना कुछ आता नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ से लिया गया था? ये आपको पता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा परिचय, तो भारतीय संविधान में कहाँ पर? भारतीय संविधान में ये भाग तीन में और आर्टिकल 12 से 35 तक ये जो है मेंशन है। कितने हैं? 12 से 35। इसी में क्या कहूँ का कहें, भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग तीन को, बेटा एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। भाग तीन को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात आती है मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में इनकी संख्या जो थी वो 7 थी, जबकि वर्तमान में क्या है अगर बात करें, तो वर्तमान में संख्या जो है वो कितनी है? 6 है। तो एक कब कम हुआ? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। और क्या करा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो एक तो ये हटाया, ठीक है। आर्टिकल 19 का एच हटा, ठीक है। आर्टिकल 31 ये चीज़ें हट गई, ठीक है। और फिर इसको संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया संपत्ति का अधिकार को। और कहाँ रख दिया? वो रख दिया भैया भाग 12 में और आर्टिकल 300A में इसको रख दिया। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लो। क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में अगर भाग तीन में ये है, अब 12 से 15 आर्टिकल तक है, भारत का मेघना कार्टा इसको कहा जाता है। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 6 हो चुकी है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ और संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया। ये दो जगह था, एक तो आर्टिकल 31 में भी था और आर्टिकल 19 के एच में भी था। तो ये दोनों जगह से जो है इसको हटा दिया गया।
इसे दोनों जगह से जो है भैया हटा दिया गया, और फिर कहाँ रखा गया, विधिक अधिकार बना के इसको, विधिक अधिकार बनाकर इसको कहाँ रख दिया गया, भाग 12 में 300A में इसको रख दिया गया। ठीक है भैया, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब बात आती है कि वो छः वर्तमान में जो छः हैं वो क्या है, बच्चों को बहुत मुश्किल रहता है उसको याद रखना, उसको याद रखना जो है उन छः को बहुत मुश्किल रहता है, ये आपको थोड़ा याद रखना। एक ट्रिक मैंने आपके सामने लिख रखी है, एक ट्रिक मैंने आपके सामने लिख रखी है, क्या है ये ट्रिक देख लीजिए। ये ट्रिक है समान स्वतंत्र शोध, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है। किसका है, शिक्षा का उपचार है, यानी कि समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है। 5 42 42 1, 5 42 42 1, एक दो बार और करेंगे हम, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का अधिकार है, 5 42 42 1। ठीक है भैया, तो पहला कौन सा है, पहला है समता या समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक इसमें निहित है, 14 से 18 तक इसमें निहित है। और भैया इसमें अभी 12 और 13 को बताएंगे, अभी सबर करना है फिलहाल में। आप ये देखो 14 से 18 में निहित है, इसमें क्या है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 निहित है, आर्टिकल 17 निहित है, आर्टिकल 18। तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितने आर्टिकल हो गए, कितने आर्टिकल हो गए, टोटल 5। तो यहाँ से इस बुक को बोला गया है 5। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा आया है, दूसरा कौन सा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 20 21 और 22, तो ये कितने हो चुके हैं बेटा, ये आपके हो चुके हैं 4। इसलिए ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो इसमें कितने हैं, 1 3 2, एक तो 23 और एक 24, तो यहाँ से 2 ही आ गए। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है, तो 25 26 25 26 27 28 आपका यहाँ से, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भैया, 4 आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो इसमें कितने हैं, 29 और आपका 30, तो इनकी संख्या कितनी आ गई, 2। और संवैधानिक उपचार जो है वो आपका कितना है, 1, यानी कि 32। इस वजह से इसका नाम पड़ा है ये। तो एक बार ट्रिक याद करेंगे, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है 5 42 42 1, स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर आप इसको कर लो नोट इन, पॉइंट करके बना के लिख लो। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हमें जो है इसको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्योंकि अभी तक हमने समझा था केवल मौलिक अधिकारों के बारे में, और मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि के बारे में हमने सीख लिया था। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हम बहुत डिटेल से जब पढ़ते हैं, जब हमें मेंस लिखना होता है, फिलहाल में हमें अभी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए प्रत्येक आर्टिकल में। ठीक है भाई, तो देखिए आज अब समझते हैं हम क्या है। तो हम सबसे पहले समझेंगे आर्टिकल 12 क्या है। तो राज्य शब्द का प्रयोग या परिभाषित किया गया है इसको, यानी कि आर्टिकल 12 में क्या है, या तो परिभाषा कह दो मूल अधिकारों की, या फिर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, या फिर राज्य शब्द का प्रयोग। अब राज्य शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया है, राज्य शब्द में वह सभी चीज़ें शामिल हैं। राज्य शब्द का संबंध भारत संविधान में जो है वो यह है कि केंद्र में सरकार व संसद, राज्य सरकार राज्य के दायरे में आती है। राज्य किसी भी स्टेट में सरकार या राज्य विधानमंडल, वो भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। स्थानीय निकाय, पंचायत, जिला पंचायत, परिषद, वो सब किसको परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है। सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक, ऐसे सभी निकाय जो वैधानिक हों या गैर संवैधानिक हों, उन सभी को भी राज्य शब्द परिभाषित करता है। कोई भी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य के संस्था में राज्य की संस्था काम कर रही हो, कोई भी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही हो, सब किससे परिभाषित होंगे, राज्य शब्द से परिभाषित होंगे। तो यह है इस आर्टिकल 12 में कि राज्य क्या कहा गया। राज्य का यही संबंध है जो आर्टिकल 36 में है, यानी कि 12 में भी आर्टिकल इसे दो बार परिभाषित किया गया, एक आर्टिकल कहाँ पर, आर्टिकल 36 में भी इसे परिभाषित किया गया है राज्य शब्द से। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है यहाँ से। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने पर करने वाली विधियां क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। क्या मूल अधिकारों से असंगत, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, अलग हैं,
या उनका अल्पीकरण उनको कम करती हैं, ऐसी सभी विधियां जो है वो शून्य हो जाएंगी, मगर इन्हें शून्य करने की शक्ति इसके पास में है। तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। क्या समीक्षा योग्य है? ऐसी विधि, मान ली कोई ऐसा कानून जिससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या उनका अल्पीकरण हो रहा हो, तो उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उनकी जाँच की जा सकती है, ठीक है, और उनको ये न्याय उन पर न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति जो है वह किसके हाथ में है? वह सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में है, और ऐसी विधि गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर दी जाएगी। यानी कि अगर कोई विधि बनी है जिससे क्या होता है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों का अल्पीकरण हो रहा हो या असंगत स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, आर्टिकल 226 का प्रयोग करके उस विधि या उस कानून को हम गैर संवैधानिक, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अब शुरू होता है हमारा समता का अधिकार, मूलिक अधिकार, मूल अधिकार नंबर एक। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में बेटा विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। विधि मतलब कानून, के समक्ष समानता यानी कि समता, जैसा कानून सबके लिए क्या होना चाहिए? समक्ष होना चाहिए, समान होना चाहिए। विधियों का समान संरक्षण यानी विधियों का क्या करना चाहिए? सबके लिए समान संरक्षण करना चाहिए विधि का, कानूनों का। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि यदि भारत के अंदर किसी भी जगह पर अगर धर्म, मूल वंश को लेकर, लिंग जाति को लेकर, जन्म स्थान को लेकर अगर विभेद किया जा रहा है, तब हम उस पर प्रतिषेध कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा करना कानूनी अपराध है, ठीक है। और इसके लिए जो है आईपीसी भी बनी हुई है, इंडियन पैनल कोड, ठीक है, आईपीसी में भी इसका जिक्र दिया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन मतलब भारत में लोक नियोजन के लिए अगर अफसर अपॉर्चुनिटी की बात है तो सभी को बराबर समानता मिलेंगी, बराबर। जैसा मान के चलिए अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसा मान के चलिए नरेगा है, ठीक है, नरेगा में अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा और वो नरेगा योग्य है तो सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा, मतलब अवसर बराबर मिलेगा। अगर 10 मीटर जगह एक आदमी को दी है इकसार करने के लिए, बराबर करने के, समतल करने के लिए, तो दूसरे को भी 10 ही मीटर जाएगी, 5 नहीं दी जाएगी, समझ गए? नहीं तो अवसर की समानता सबको मिलेगी, सबको अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है, सरकार की तरफ से सबको जो है बराबर काम मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 में अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता का अंत व आचरण का निषेध, मतलब क्या करा गया है? पहले छुआछूत जैसी बीमारी चलती थी, मतलब बीमारी का मतलब एक मतभेद था व्यक्तियों के अंदर, तो क्या होता था, उसे समाप्त किया गया और उनका आचरण निषिद्ध किया गया, यानी कि हम किसी के प्रति जो है अब ये वाला भाव नहीं रखेंगे कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये छोटी जाति का, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर आगे आता है भाग आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 सेना विधा संबंधी सम्मान के सिवाय, यानी कि सेना और विधा से संबंधित अगर कोई और भी, जैसे पंडित जी कह देते हैं, ब्राह्मणों को कह देते हैं पंडित जी, ठीक है, और सेना में एडमिरल, ठीक है, कप्तान, कैप्टन, ये सब क्या हैं, तो पद भी हैं, तो सेना और विधा, जैसे कि आपका भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न जो होता है या राष्ट्रीय पुरस्कार जितने भी होते हैं, उन सबको छोड़कर, सबको छोड़कर क्या है, सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। जैसे पहले कोई कह देता था खुर्रम, कोई लाख बख्श कह दे करता था अपने आप को, ठीक है, कोई उलूक खां उपाधि रख, कोई शेर खां नाम रख दे करता था, तो अब सारी चीज़ों पर क्या कर दी गई है, पाबंदी कर दी गई। तो हमने क्या देखा है अभी, हमने आर्टिकल 12 देखा है, आर्टिकल 13 देखा है, 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, 13 में असंगत अल्पीकरण वाले विधि को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा, समा, और हमने मूल अधिकार एक दिया देखा है, समता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 15 मूल धर्म जाति लिंग बंध के आधार पर, 16 में लोक नियोजन और 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में जो है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो अगले आगे देखते हैं क्या है, ठीक है भाई, तो इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, इसका कुछ भी करो, जैसे भी आपका मन करता है इसको कर लो जरा क्लियर, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्या है, नेक्स्ट देखना है क्या है। देखिए हमने अभी तक देखा था आर्टिकल 18 तक हमने देख लिया था, अब देखने वाले हैं आर्टिकल 19 से आगे को, ठीक है। एक अभी तक हमने मूल अधिकार को पढ़ा है, दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 19 और 22 आते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला वो ये है,
मौलिक अधिकारों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार को कहा जाता है। किसे? स्वतंत्रता के अधिकार को जो कहा जाता है मौलिक अधिकारों का मेरुदंड कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कितने आर्टिकल, 19 से 22 तक हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 19 में क्या है। तो आर्टिकल के 19 के ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति जो है लिखकर बोलकर या चित्रों के द्वारा जो है अपनी प्रस्तुति पेश कर सकता है, अपने मतलब बोलने की स्वतंत्रता है उसको, ये वाली बात। आर्टिकल 19 के बी में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हथियार के बिना, यानी कि बिना हथियारों के, हथियार रहित, समझ गए नहीं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और इसी पर एक अमेंडमेंट किया गया 97वां संविधान संशोधन, जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। 19 का डी है, अवैध आवागमन, यानी भारत के किसी भी कोने में हम मतलब अवैध बिना रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं, ये भी हमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, 19 के ई में हमें दिया गया है निवास और बसने की स्वतंत्रता, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है अब निवास या बस सकते हैं 2019 के बाद। पहले जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं था, परंतु अब यहाँ वहाँ पर भी ये अधिकार हो चुका है। 19 के एच को समाप्त कर दिया था 44वें संविधान संशोधन, तो अब क्या बचा है, जी। ठीक है, तो सॉरी जी आ जाएगा, ऐप खत्म हो गया था यहाँ पर। तो क्या है, जीवन यापन का व्यवसाय, या जीवन यापन या व्यवसाय करने के लिए आदमी कहीं पे भी व्यवसाय शुरू कर सकता है देश के किसी भी कोने में। तो ए हो चुका है वाक की स्वतंत्रता, बी हो चुका है शांतिपूर्ण सम्मेलन, ती सी हो चुका है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी हो सकता है आवाज आवागमन, ई हो गया है निवास बसने की स्वतंत्रता, जबकि जी हो चुका है व्यवसाय करने के लिए। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी कि जो व्यक्ति को अपराध किया है उसी के अनुसार जो है उसको एक बार एक अपराध के लिए सजा मिलेगी, भाई इतना समझ लो यहाँ से। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, जबकि 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, यानी कि वकील करने की आपको गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, वकील से बात करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, और 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु ये दो व्यक्तियों के साथ नहीं किया जाएगा, एक तो देश शत्रु, जो देश का शत्रु उसके साथ नहीं किया जाएगा, ये छूट है। कारण वकील से बात करने के, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की, ये सुविधाएँ किसने दी जाएगी, एक तो जो देश का शत्रु है उसको, और दूसरा जो नज़रबंद है उस व्यक्ति को। ठीक है, जो नज़रबंद व्यक्ति है उसे 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद नहीं कर सकते, समझ गए नहीं, तो यह भी थोड़ी बात रखना है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण क्या है, कारण बताना पड़ेगा आम आदमी के लिए, वकीलों से बात करने की परमिशन दिया कि 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे बाद, जबकि ये देश शत्रु के लिए, जो देशद्रोही है उसके लिए काम नहीं है। ठीक है, नज़रबंद व्यक्ति के लिए भी ये नाम लागू नहीं होंगे, पता चला कि कोई देश शत्रु पाकिस्तान का है और उसको टेररिस्ट रूप में पकड़ लिया, और बाद में कहने लगे, या कोई विदेश का आ गया टेररिस्ट होकर और उसे कहा गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने कहा भाई मुझे तो 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, ठीक है मुझे मेरे वकील से बात करो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर है तीसरा हमारा मूल अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24 है। तो आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते आप, व्यापार पाबंदी है, और बल के आधार पर श्रम नहीं करवा सकते, बलात्श्रम का मतलब यहाँ पर यही है, बल के आधार पर उससे श्रम नहीं करा सकते आप। ठीक है, आर्य बात समझ पता चल रहा, किसी को कूड़े मार मार के काम करवा रहे हो। 24 में आर्टिकल 24 में क्या, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, 14 वर्ष तक कम उम्र के बच्चों को तुम बालकों को कान पर नहीं लगाओगे, ये प्रतिषेध किया गया है, इसमें रोक लगाई गई है। ठीक है भैया, तो 23 में हो चुका है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, 24 में हो चुका है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अब आपका आ चुका है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक इसमें निहित है। तो क्या है 25 में, अंतःकरण धर्म के आवाज आचरण और प्रसार प्रचार की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म के अंतःकरण कर सकते हो, धर्म में आप आ सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, परंतु किसी भी धर्म में आकर दूसरे धर्म का जो है विरोध नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये नहीं कर सकते, या किसी मनसा से आप धर्म धारण नहीं कर सकते, जबकि आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म के कार्यों को करने के प्रबंधन, उन्हें प्रबंध करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है यहाँ पर। ठीक है भाई, आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी धर्म की आयु वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि करों के संदाय, मान लीजिए हमें मस्जिद बनवानी है, मंदिर बनवाना है, तो उसके लिए ढाला कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ढाला कर सकते हैं, सरकार उस पर बाउंड नहीं कर सकती, तो आयु वृद्धि कर रहे हैं हम धर्म की आयु वृद्धि करने के लिए। ठीक है भैया, आर्टिकल 28 में क्या, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, और कुछ में नहीं है,
यानी कि जैसे मदरसे होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जबकि जो उत्तर सरकार के मान्यता प्राप्त होते हैं, जो धर्म से मान्यता प्राप्त होंगे उनमें दे सकते हैं, जबकि किसी शिक्षण संस्थान में जो धर्म से संबंध समाहार नहीं रखता है उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ के लिए दिया गया है। फिर आपका आ जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका आ जाता है पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो आ जाते हैं, 29 और 30। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण, यानी जितने भी देश में अल्पसंख्यक हैं उनकी लिपि भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है, समझ गए नहीं। फिर 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों को खोलने की अल्पसंख्यकों का अधिकार है, कि अल्पसंख्यक भी शिक्षा संस्थानों को खोल सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझेंगे, एक आध बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैंने सोचा क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको कोशिश करी कि आपको लिखकर बताया जाए, कि ज़्यादा लंबी क्लास में आपको जो है बोरियत सी महसूस होने लगती है। ठीक है भाई, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट अधिकार जो है, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और वह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे अधिकारों को गारंटी देता है, क्या करता है, गारंटी देता है बचाने की। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल कितना है, 32 है, और इसमें 5 प्रकार की याचिकाएँ हैं, रिट हैं, जिससे हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। जैसे एक तो है आपका बंदी प्रतिरक्षण, दूसरा है परमादेश, ठीक है, तीसरा प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रतिरक्षण में होता है कि बंदी प्रतिरक्षण को निगरानी किस तरीके से करेगा, परमादेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। प्रतिषेध मतलब रोक होती है, निचले हाईकोर्ट न्याय निचले न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट रोक देता है किसी फैसले के लिए, ठीक है। उत्प्रेषणा वो होती है जो बहुत लंबित मामले पड़े होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पास मंगा लेता है। और अधिकार परीक्षा इसमें यह होता है कि वह किस अधिकार से यहाँ पर कार्य कर रहा है। कुछ ये है, अब आता नहीं इनके यहाँ से क्वेश्चन, फिलहाल मैं इनको ही पूछ, या मतलब इनमें से क्वेश्चन अभी पूछा जाता पैट में, कि इनमें से कौन सी रिट नहीं है, तो बंदी प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, इसे याद रखना है। ठीक है, तो 32 तक सबको याद होते हैं। अब आर्टिकल 33 क्या है, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस या कोई भी कमांडर इन चीफ अपने यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए, अपने यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए, उसे सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मूल अधिकारों पर रोक लगा सकता है। जैसे कि मतलब किसी पुलिस में अगर आप भर्ती हो जाओगे तो आप बिना कमांडर इन चीफ की मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए जो है मूल अधिकारों को पाबंदी लगा सकते हैं, तो उसकी भी एक अधिकार है आर्टिकल 33 में। आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें लिखा हुआ है, वरना तो बवाल मच जाएगा आर्मी में, वरना क्या हो जाएगा, बवाल मच जाएगा आर्मी में, कोई भी किसी की बात मानेगा नहीं, फिर तो कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है, मार्शल लॉ, सैन्य शासन या कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी तो आपके मूल अधिकारों पर फाउंडेशन लगा सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चला था, 2019-2021 का सीजन था, तो वहाँ पर हमें संघ बनाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, बातचीत करने की जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, कर्फ्यू, सैन्य शासन या मार्शल लॉ, लॉकडाउन लगा हुआ था, और ऐसे सब पर पाबंदी किस में आती है, आर्टिकल 34 में, ठीक है भाई, तो इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 35 क्या है, मूल अधिकारों पर कानून बनाने की अनुमति जो है वो किसके पास है, केवल संसद को है। और किन अधिकारों पर, किन आर्टिकल पर कानून बना सकती है संसद, संसद किन आर्टिकल पर बना सकती है, आर्टिकल 16 बना सकती है, 17 बना सकती है, 32 बना सकती है, 33 बना सकती है, 34 पर, तो इन पर ही कानून बनाने का अधिकार है संसद को। अब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो मूल अधिकार से बाहर हैं, जो हमारे मूल अधिकारों से बाहर भी हैं, तो जैसे क्या, आर्टिकल 300A, ये भी एक अधिकार है परंतु संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार है, ठीक है। फिर आर्टिकल 326 है, वोट देने का अधिकार है, विधिक व राजनीतिक अधिकार है, विधिक भी और राजनीतिक अधिकार दोनों हैं। आर्टिकल 301 में क्या है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, तो ये याद रख लेना। फिर बाद में आती है केवल भारतीयों को अधिकार कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो केवल भारतीयों को अधिकार है, ये अधिकार विदेशियों को नहीं है, ये अधिकार क्या नहीं है, विदेशियों को नहीं है भाई, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये किसको नहीं है, विदेशियों को नहीं है, ये केवल भारतीयों को है। तो ये थी हमारी मूल अधिकार की क्लास, जो हमने यूपी पैट के लिए स्पेशल बनाई है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से मेंस लिख सकते हो, ये तो केवल कोर्स का रिवीजन है, जो कि पैट के लिए इंपॉर्टेंट था, पैट में केवल इतना इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब नए सेशन में, कि नया सेशन इसका आगे क्या होता है संविधान का, कल इसी समय पर और अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, तो जब तक